हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलेश है और आप सभी का स्वागत है शैलेश एंड NHTV में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने बिजनेस के लिए GST निकालना चाहते हैं, वह भी आप अपने घर से ही इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वह आप कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर GST गवर्नमेंट टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी GST.government.in की, इसे आपको ओपन करना है और इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नाउ, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यह जो फॉर्म शो हो रहा है उसे आपको फिल कर देना है। यहां पर टैक्स पेयर, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को आपको चूज करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। इसके बाद आपका जो आपके बिजनेस का जो भी नाम है उस नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सपोज कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं तो आप अपना नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। दोस्तों ध्यान दें कि जो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर है वह जो अभी रिसेंटली एक्सेस में है उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर को आपको देना है, क्योंकि ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों पर ही आपको एक ओटीपी मिलेगा, जिस ओटीपी का आपको यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद में आपका जो रिसेंट नंबर है, जो चालू नंबर है, उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नीचे में आपको यह कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे फिल कर देना है और यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपके मोबाइल पर एक OTP आया है और सेम OTP आपके ईमेल आईडी पर भी आया है, तो उन OTP को यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपका जो TRN नंबर है वह जनरेट हो जाएगा, जिसे हम टेम्पररी रेफरेंस नंबर कहते हैं। दोस्तों, इस नंबर को आपको कहीं पर आपके पास में सेव रखना है, लिख के रख देना है, क्योंकि जब भी आप अब लॉगिन करने के लिए जाओगे तो आप इस TRN नंबर के साथ में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके नीचे में जो प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो कि आपके सामने में टेम्पररी रेफरेंस नंबर के साथ में एक पेज शो हुआ है। यहाँ पर आपको जो अभी TRN नंबर मिला था उसे आपको फिल कर देना है और इसके बाद में नीचे में जो कैप्चा कोड दिया है उसे आपको फिल करना है। और आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपने जो भी अभी मोबाइल नंबर दिया था उस पर और ईमेल आईडी पर सेम OTP नंबर आ जाएगा, तो आपको ईमेल से या फिर फ़ोन नंबर से OTP लेना है और OTP डालकर आपको प्रोसीड कर देना है।
दोस्तों, तो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने में जीएसटी के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वह आपके सामने में शो हो रहा है। इसके लिए आपको एक्शन एक्शन पे यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है और यह एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने में ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी टैब दिए गए हैं उन सभी टैब को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। जैसे कि दोस्तों, हमने जब TRN नंबर के लिए जो नाम और पैन कार्ड नंबर फिल किया था वह ऑटोमेटिकली वह इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। तो इसके बाद में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस है जैसे कि पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट लिमिटेड है या फिर आपका प्रोप्राइटरशिप है, मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप के लिए फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप चूज़ कर देता हूँ। और इसके बाद में जो जो आपका जुरिस्डिक्शन आता है वह आपको चूज़ करना है। दोस्तों, आपका आपका जो भी सेक्टर आता है तो उसे आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे कि चंद्रपुर में मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ बल्लारपुर के लिए, तो मैं यहाँ पर बल्लारपुर सेक्टर को देखूँगा। ये रहा, इसे फिल कर देना है। दोस्तों, इसके बाद में आप देख सकते हैं कमीशन रेट है यहाँ पर आपका जो चंद्रपुर आपका जो बल्लारपुर है या फिर और जो डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर है यह जिस भी डिवीज़न में आता है सॉरी जिस भी कमीशन रेट में आता है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से नीचे में यह नागपुर में आता है। तो मैं नागपुर को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद में डिवीज़न जो भी है आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो मैं डिवीज़न चंद्रपुर को चूज़ कर लेता हूँ। चंद्रपुर बल्लारपुर की डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक इसी तरह आपको भी करना है। और इसके बाद रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि बल्लारपुर है। इसके बाद आपके सामने में दो टैब शो हो रहे हैं। अगर आप कैजुअल डीलर हैं या फिर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको इसे ओके कर देना है। आप इसे ओके करते हैं तो आपके सामने में यह ऑप्शन शो होते हैं। सपोज़ कि अगर आपको जीएसटी का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है तो इन टैब को आपको क्लोज रखना है। नीचे में आप देख सकते हैं कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहते हैं, यह रीज़न पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आप जीएसटी जिस भी वजह से आप निकाल रहे हैं उसका रीज़न आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आपका जो बिज़नेस जिस दिन से शुरू हुआ है उस डेट को आपको यहाँ पर शो कर देना है। ओके, तो वह विद इन 1 मंथ रहना चाहिए। इस वजह से आपकी जो डेट है वह 1 मंथ के अंडर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो डेट है वो मैं यहाँ पर ओके। इसके बाद में सपोज़ कि अगर आपने कभी कोई रजिस्ट्रेशन किया है जैसे कि शॉप एक्ट है या फिर ये सेंट्रल सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, जो भी अगर आपने कोई भी इससे पहले अगर किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना। तो दोस्तों, इसके बाद में सपोज़ कि अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यह जो ऑप्शन है यह आपको रेड एस्ट्रिक में दिखाई दे रहे हैं। इसके वजह से यहाँ इसके साइड में आप देख सकते हैं कि कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो कि आप नेक्स्ट स्टेप में हो। जैसे कि अब आपकी 20% प्रोफाइल अब कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड टैब में आपको डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर की डिटेल्स देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो नाम दिया था वह ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर फादर का नेम देना है जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी देनी है जो कि यहाँ पर फील है इस तरह से, या ये कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर देना है और इसके बाद जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसे आपको फिल कर देना है। जिस ईमेल आईडी को हमने पहले यूज़ किया था उसी को आपको देना है। इसके बाद आपका जेंडर स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर पूछता है कि डेसिग्नेशन, तो आपको डेसिग्नेशन यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे कि प्रोप्राइटरशिप।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसे ग्रीन ही रहने देना है। इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा क्योंकि हमने पहले दिया था। बाकी की जो रेड एस्ट्रिक आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसको फिल करना इतना ज़रूरी नहीं है। इसके वजह से आप आधार नंबर यहाँ पर नहीं भी देते हैं तो भी चल जाता है। इसके बाद आपको एड्रेस, जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसे आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल कर देता हूँ। रोड सिटी और जिस भी कंट्री में आप आते हैं यानी कि इंडिया, और इसके बाद आपका स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, और पिन कोड जो है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आप नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फोटोग्राफ ले लेता हूँ, बट आप अपना लीजिए। ध्यान दें कि आपका जो फोटोग्राफ है वह 100 KB के ऊपर ना हो। JPEG फाइल फॉर्मेट इज अलाउड। नीचे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, आपकी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। और इसके बाद में आप नीचे में देख सकते हो कि यह ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसे आपको ओके कर देना है। जो जो इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वह खुद आपकी है। और इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल जितनी जितनी फिल हुई है उसका परसेंटेज दिखाई देता है। 81% अभी तक वो प्रोफाइल फिल हो चुकी है। और इसके बाद में जो दो टैब है वह थोड़े से ब्लू नहीं बट थोड़े ग्रे हो जाएंगे, और जितने आपके फिल हुए हैं वह ब्लू होके राइट के ऑप्शन में दिखाई देंगे। तो इसके नीचे में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, यह ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो चुका है। तो इसे हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद में यह टैब शो हो जाएगा जिसे हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर आपको बिजनेस की डिटेल दे देनी है। आपका बिजनेस जिस भी एड्रेस पर है उस एड्रेस को आपको फिल करना है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड,
नीचे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यह आप ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। आप सपोज़ कि आपका बिजनेस अगर खुद का है, खुद के जगह पर है, तो आपको यहाँ पर ऑन करना है। और सपोज़ कि आपका बिजनेस जो है वह रेंटेड है, तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट तो रेंटेड कर देना है। और यहाँ पर जो बिज़नेस की जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको फिल कर देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, और अगर आप रेंटेड है तो रेंट लीज एग्रीमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल को चूज़ कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल का जो, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। नीचे में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर शो हो रहा है, बिजनेस के प्लेस के लिए है। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने फाइल को यहाँ से अपलोड कर देना है। फाइल अपलोड हो जाने के बाद में आप नीचे में देख सकते हो कि आपका बिजनेस का जो नेचर है, यानी कि आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी का है उसे आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर बॉन्डेड वेयरहाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, अगर सपोज़ कि लीजिंग बिजनेस है या फिर रिटेल बिजनेस है, ये जिस आपका जो भी है, आप सप्लायर हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर होलसेल बिजनेस करते हैं, तो आपके हिसाब से आपका जो भी है वह आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अदर्स को क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ईकॉम के लिए कर रहा हूँ। सपोज़ कि अगर आपका और कहीं आपका जो बिज़नेस है उसका प्लेस और कोई और दूसरा कोई है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। सपोज़ कि अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो यह जो टैब है वह फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल 98% फिल हो चुकी है। इसके बाद में आता है एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। सपोज़ कि अगर आपका आपके बिजनेस का और एडिशनल प्लेस है तो इसके लिए है, अगर आपका नहीं है तो आपको इसे कंटिन्यू कर देना है। अब आपको गुड्स एंड सर्विस, जो भी आपका बिजनेस है, जो आप जिस भी कैटेगरी का बिजनेस करते हैं, जैसे कि गुड्स सेल्स करते हैं या फिर सर्विस सेल करते हैं, तो आपके जो गुड्स है वह कौन से हैं उन्हें आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सपोज़ कि अगर आपके गुड्स का अगर आप यहाँ पर नाम भी टाइप कर दोगे, तो मैं यहाँ पर करता हूँ पॉट। तो नीचे में आप देख सकते हो कि पॉट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं तो वह शो हो रहे हैं, उनके जो कोड्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। जैसे सपोज़ कि आप ये जो है पोटैटोस फ्रेश और चिल्ड, यह अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको इसको चूज़ करना है। अगर आप टाइल्स सेल करते हैं तो आपको इस कोड को चूज़ करना है। आपका जिस भी कैटेगरी का बिजनेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर सर्विस है तो आपको यहाँ पर जाना है। सर्विस में आप देख सकते हो सर्विस, जैसे कि CA, तो इस तरह से जो भी आपके सर्विसेज, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो IT का अगर आपका सर्विस है तो आप यहाँ से इसे ओके कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वह उसका कोड क्या है। मैं यहाँ पर टाइल्स बुक्स का देखता हूँ, जैसे कि यह कोड है बुक का, नोटबुक्स। इसे ओके करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास में यह स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का टैब ओपन हो जाएगा, तो इसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेड एस्ट्रिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक कर देना है। नीचे में
आपका जो नाम है वह। इसके बाद आपको प्लेस एंटर कर देना है। और अगर आपका सपोज कि डीएससी सिग्नेचर रेडी है तो आप सबमिट विद डीएससी के साथ में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सबमिट विद ईवीसी के साथ में कर सकते हैं। जो भी आपने अभी मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा और यह एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो मैं सबमिट विद ईवीसी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओटीपी पूछ रहा है। आप ईमेल में चेक कर सकते हैं। तो ईमेल में यह ईवीसी सिग्नेचर का ओटीपी आ चुका है। तो इस तरह से आपका जीएसटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। 15 मिनट के अंदर में आपको एक ईमेल पर एक वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पेज आ जाएगा जो कि एक्नॉलेजमेंट का रहेगा। और इसके बाद में कुछ ही दिनों में आपका जीएसटी मिल जाएगा। सपोज़ यह जो 15 मिनट है यह आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन फिल की है उसका एक वेरीफाई करता है, यानी कि एक बार करेक्शन कर लेता है। अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आपको एक क्लैरिफिकेशन का और से ईमेल आएगा तो, और आपको फिर उस जो भी इंफॉर्मेशन छूट गई है उसे आपको फिल करनी है और क्लैरिफाई करके आपको यह जो फॉर्म है वह रिसबमिट कर देनी है। तो इसके बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लेके आते रहता हूँ जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।